जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी, ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, किसका है? एनसीईआरटी का है। क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग बिना बकवास किए हल करेंगे, टाइम वेस्ट होता है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर चुके थे, कुछ प्रॉब्लम के कारण कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन इसमें हम कंप्लीट ही कर देंगे, समझे? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके जो टोटल प्लेलिस्ट है, जो वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो वहां से जा करके जरूर देखें और मजे उठाए, आनंद ले, घर पे रहते हुए पढ़े आप लोग, समझें? ऑनलाइन बेस्ट क्लासेस। देखो, ये एक्स और वाई के मान निकालना, ऊपर दे रखा है एक्स वाई जेड का मान निकालें। तो हमको एक्स का मान निकालना है, वाई का मान निकालना है, जेड का मान निकालना है, समझे? तो देखो कैसे एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक्स वाई के मान निकालना है। आ इसमें मान निकालने के लिए हम लोग संगत अवयव को बराबर करेंगे। जैसे देखिए, इस चार पहला पंक्ति पहला स्तंभ है ना, ये चार पहला पंक्ति और पहला स्तंभ में है। इसमें पहला पंक्ति पहला स्तंभ में क्या है? वाई है। तो देखो, इसको इसको यानी क्रॉस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल करेंगे, यानी ये बेचारा अपने स्थान वाले को ही देखेगा, यानी चार किसके बराबर होगा? वाई के बराबर। देखो, ये भी मैट्रिक्स है, यह भी मैट्रिक्स है, दोनों को क्या कर देंगे? बराबर। तो चार को बराबर करो वाई के, तो चार बराबर क्या हो जाएगा? वाई। यानी कहने का मतलब वाई के मान चार। लो, ये आप लोगों के लिए बनल पूरी था, आप लोगों के लिए बनल पूरी, इतना हल्का आसान तरीके से निकल गया। देखो, ये एक्स का क्रॉस्पोंडिंग एलिमेंट वन है। देखो, एक्स जहां पर है वहीं पर वन है, तो धर दे लिखेंगे एक्स बराबर वन। अब ऐसा बनल पूरी आपको कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जेड देखो, जेड के क्रॉस्पोंडिंग एलिमेंट तीन है, तो जेड का मान क्या हो जाएगा? थ्री। निकाल तो दिए एक्स वाई जेड का मान। यही होता है बना हुआ पूरी, जाइए खाइए, आइए, समझे? या एक्स वाई जेड के मान निकालने में कोई तो भारी नहीं लगा, आसानी है। लेकिन दुख की बात है कि ऑब्जेक्टिव में भी नहीं पूछेगा, अब थोड़ा हार्ड हार्ड देगा ऑब्जेक्टिव में, समझे? अच्छा क्वेश्चन था, आपका दिमाग काम किया होगा तो धर दे आंसर, कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, धर दे आंसर। अगर ये आदत आप में पड़ गया कि क्वेश्चन देखते हैं आंसर, समझिए कि 100 में 100 लाने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं, समझे? यहां से देखिए क्या करेंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका 6 है, तो इसमें कलम चलाना पड़ेगा, इसमें भी नहीं चलाना पड़ेगा अगर आप लोग का दिमाग होगा तो। एक्स प्लस वाई, देखो एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा? 6। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखो, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये वाला होगा, यानी 5 प्लस जेड बराबर 5। इसको इस साइड भेजेंगे तो जेड बराबर 5 माइनस 5, ये कट के जेड बराबर क्या आएगा? 0। जेड का तो मान निकल गया। यहां पर देखो, इस क्रॉस्पोंडिंग इसके बराबर कर सकते हैं, क्या होगा? xy बराबर 8, इक्वेशन नंबर 2। यहां से हमारे पास एक आइडिया है, एक आइडिया। देखो, इक्वेशन फर्स्ट को यहां लिख लेते हैं, x+y बराबर 6। देखो, x+y यानी जोड़ने पर 6 और गुणा करने पर 8, कौन कौन ऐसा संख्या है? जोड़ने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 8 आना चाहिए, तो 4 दूनी के 8। देखो, 4 दूनी के 8 और 4 2 6, यानी 4 2 जा 8 और 4 2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा हमारा? 6 होगा, यानी 4 और 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स की जगह 4 रखेंगे, वाई की जगह 2, या एक्स की जगह 2 रखेंगे, वाई की जगह 4 रखेंगे, कोई भी रख सकता है, आंसर सत्य होगा, समझे? x+y बराबर 6, यानी दोनों को जोड़ने पर 6 आना चाहिए, दोनों को गुणा करने पर 8 आना चाहिए। तो x का मान 4, y के मान 2 मान लो, और यहाँ z का मान क्या किए हैं? निकाल दिए हैं 0, 0।
एक्स का मान चार भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, वाई के मान दो भी हो सकता है और चार भी हो सकता है, दोनों मिले कौन हो सकता है। दूसरा नंबर भी मजाक मजाक में हम लोग खत्म कर लिए इसको, समझे। अब देखिए इसी का थर्ड नंबर क्वेश्चन, इसे मिटाते हैं। नंबर सिक्स का थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग नोट करिएगा, समझे। देखो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको भी मजाक मजाक में खत्म करेंगे। एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड है, बराबर में दे रखा है 9, 5 और 7, यही ना दिया है बराबर में, तो ध्यान से समझिए। क्रॉसपोंडिंग, इसका ऑर्डर 3/1 है, इसका भी ऑर्डर 3/1 है, देखो दोनों ऑर्डर, ये सेम ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को इक्वल इक्वल कर सकते हैं। देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, 9, यहां से एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, 9 होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझे। इसको हम लोग मान लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिए, ये सब कहानी मिटाते हैं, अच्छा नहीं लगता है बोर्ड पर देखने में। देखो और यहां से एक्स प्लस जेड बराबर 5 क्या आएगा, एक्स प्लस जेड बराबर 5 आएगा, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। यहां से वाई प्लस जेड बराबर क्या आएगा, 7, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। देखो अगर हम इन दोनों को लेकर के चले, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 दिया है। यहां से देखो एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड आंख से देखना दिमाग से देखना, देखो एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड की जगह पर हम लोग 5 लिख सकते हैं, एक्स प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं, 5, एक्स प्लस जेड की जगह 5 लिख सकते हैं। देखो एक्स प्लस जेड की जगह 5 लिख सकते हैं, बच गया बेचारा वाई बराबर 9, एक्स और जेड की जगह 5 लिख सकते हैं, बच गया बेचारा वाई, वाई प्लस में कर दिए। यहां से वाई बराबर 9 माइनस 5, तो वाई बराबर क्या आएगा, 4 आएगा, दिखा कितना धर्द आंसर निकल के आया, कहां वाई के मान कितना आ गया, 4, हमको वाई के मान निकालना था, निकाल लिए। अब देखो तो भाई साहब अगर इस वाई का मान समीकरण 3 में भर दें तो जेड का मान नहीं निकल जाएगा, वाई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, जेड का मान, तो समीकरण 3 अप्लाई, y प्लस जेड बराबर क्या रहेगा, 7, y की जगह पर 4 रखो, 4 प्लस जेड बराबर 7, तो जेड बराबर 7 माइनस क्या आएगा, 4, तो यहां से जेड बराबर 7 से 4 घट गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी जेड का मान हमारा क्या निकला, 3। अब किसका मान निकालना है, एक्स का ना, समीकरण 2 को देखो, अगर इसमें हम लोग जेड का मान रख दे तो एक्स का मान नहीं निकलेगा, यानी एक्स प्लस जेड बराबर 5 है, तो एक्स प्लस जेड क्या है, 3 है, तो जेड की जगह 3 रखेंगे तो 5, तो एक्स बराबर 5 माइनस 3, तो एक्स के मान क्या आएगा, 2 आएगा, एक्स का मान 2, वाई के मान 4 और जेड का मान क्या आया, 3 आया। यहां से ये क्वेश्चन नंबर छठवा को भी चाट गए आप लोग, देखो बन जाना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, मिटाते हैं इसको, मिटा लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 का द एंड कर दिए, 3 क्वेश्चन था इसमें, अब तीनों क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन खा गए, यानी खत्म कर लिए तीनों क्वेश्चन को। नंबर 7 भी आसान क्वेश्चन, इसके बाद तो क्या बोले आपका, लॉलीपॉप लॉलीपॉप है। देखो 7 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है ना, a माइनस बी
यहाँ से 2a-b, यहाँ से 2a-c, यहाँ से 3c+d बराबर -1, 5, 0 और 30। यही आया, दिख रहा है सबको? देखो, हमसे बोला ए बी सी डी का मान निकाले, फाइंड, देन फाइंड, फाइंड ए बी सी एंड डी, ये चारों को मान को फाइंड आउट करना है। ग्रीन मार्कर ले लेते हैं, नीचे गिर गया है भाई, देखो कैसे बनेगा। यानी ए बी सी डी ले लिए, मान निकालना है हमको। देखो ए बी सी डी के मान किसी कैसे निकलेगा, ए माइनस बी, इसका क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिए। इसका क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, 2a-b बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करके 1, 2 लिख लिया हमारे हिसाब से। पहले दोनों को हल कर लो, इन दोनों इक्वेशन को पहले हम लोग हल करेंगे, और हल करके क्या करेंगे हम लोग, ए और बी के मान निकालेंगे। यहां से आराम से धड़ धड़ निकलेगा, देखो हल करो, हल करो मेरे भाई, हल करो। देखो ये दोनों, देखो माइनस माइनस है, अगर दोनों इक्वेशन को जोड़ दे, देखो जोड़ दे नहीं घटा दे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो, देखो ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, जीरो में माइनस देने से कोई फायदा नहीं, कट गया। माइनस में 2a, प्लस में a, माइनस में 2a, प्लस में a, माइनस में a आएगा, अब माइनस में 1 आएगा, माइनस माइनस कट के हमारा a बराबर क्या बच गया, 1। यहां से ए का मान हम लोग का क्या आया, 1 आया, ए का मान हम लोग यहां से क्या आया, 1 आया। अब अगला इक्वेशन बी के मान निकालना है, तब बी का मान 2 में रखो या 1 में रखो, 1 में रख लेते हैं। देखो 1 क्या कह रहा है, देखो ए माइनस बी बराबर -1, ए माइनस बी बराबर -1 है, देखो ए की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1, इसको इधर भेजेंगे तो -1, माइनस बी बराबर -2, ये कट गया, तो बी बराबर क्या आ गया हमारा, 2 आ गया, समझे। बी का मान यहां से क्या निकल गया हमारा, 2 निकला, 2। अब देखो, अब ये क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है, तो 2a-c का क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट 5 है। देखो a की मान क्या आया है, 1, a की जगह पर अगर हम लोग 1 पुट कर दें, a की जगह पर 1 आया, a की जगह पर अगर हम लोग 1 पुट कर दें, देखो a बराबर 1 है, तो a की जगह पर 1 पुट कर दिए, -c बराबर 5, देखो तो 2 से गुणा करेंगे तो ये बेचारा बनेगा क्या, 2, माइनस सी बराबर, इस 2 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, 5-2, तो -c बराबर, 5 से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, यानी सी का मान -3 होगा, आ गया -3। अब देखो यहां से सी का मान हम लोग को क्या निकल के आया, -3 आया। इसका क्रॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करो, तो अगला डी के मान निकलेगा, 3c+d बराबर क्या होगा, 13। देखो सी की जगह पर -3 रखो, 3, सी की जगह पर -3 रखेंगे तो गुणे -3+d बराबर में क्या होगा, 13, ये 3 तिहाई 9, यानी 9+d बराबर में 13, तो d बराबर 13, इधर भेजेंगे तो प्लस में 9, तो d का मान कितना निकल के आ गया, 22,
9 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या आ गया, 22 आ गया। तो यही हमारा क्या हुआ आंसर। ए का मान कितना आया है, बी का मान कितना आया है, सी के मान कितना है, डी के मान कितना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। देखो ए का मान 1 आया है, बी का मान 2 आया है, सी कहाँ है, -3 आया है, और डी के मान क्या है, 22 है। तो देखो ये हमारा हुआ आंसर, एक जगह लिख दो, एग्जामिनर आनर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर पलायन करते हैं हम लोग। आज खत्म करेंगे, छाट जाना इसको, कॉपी पर उतारना, नोट्स तैयार करना, तब बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए, 100 में 100, समझे। देखिए अब हम लोग तीनों क्वेश्चन लिख के लास्ट कर दिए, 8, 9 और 10, तीन को क्वेश्चन दिख रहा है, ये नंबर 8 है, ये 9 है और ये 10 है, तीनों क्वेश्चन लिख दिए और यही से वीडियो लास्ट करने वाला हो, समझिए। 8 नंबर में क्या बोला है, यदि ए ए आई जे एम क्रॉस एन है, यानी इसका कोट एम क्रॉस एन है, एक वर्ग अवयव है यदि, यानी जो मैट्रिक्स ए वर्ग अवयव कब होगा, जब ये एम बराबर एन हो, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होगा, बराबर होगा। पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या दोनों बराबर होगा। देखो m क्रॉस n, पंक्ति की संख्या, स्तंभ की संख्या बराबर होगा, तभी जा करके क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। वर्ग अवयव होने के लिए पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होना चाहिए, इसलिए ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोला एक्स वाई का मान पूछा है, तो देखो निकालते एक्स वाई का मान, यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, ये 4 ठो आपके सामने ऑप्शन लिखा गया, ऑप्शन दिख रहा, ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है। देखो कैसे निकालेंगे, क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट को 0 के बराबर करो, 3x+7=0, 3x+7=0, तो यहां से 3x बराबर क्या निकलेगा, इधर लाएंगे तो माइनस में 7 हो जाएगा, तो x का मान -7/3 आ जाएगा, तो x का मान -7/3 कौनो नहीं है। अब देखो यहां y के मान है, कर लेते हैं y+1, ये बराबर, देखो क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट है, बराबर 8, तो y बराबर 8-1 इधर सेंड करेंगे तो y के मान कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ भी x दिख रहा है, यहाँ से भी इक्वल करो, 2-3x=4, तो -3x=4-2 दिख रहा है नीचे, इधर ही लिख देते हैं, देखो यहीं पर लिख देते हैं, 2-3x=4, तो -3x=4-2, ये अभी बन ले पूरी आपके लिए आसान है, तो -3x=, क्या करेंगे हम लोग, 4 से घटेगा 2, यानी x का मान -2/3 कितना आ गया, 3। देखो भाई यहाँ -7/3, यहाँ -2/3, दोनों जबकि एक ही आंसर आना चाहिए, एक ही आंसर नहीं आया, यहाँ से एक ही आंसर आया, डबल डबल आया, विरोधाभास यहाँ उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ऑप्शन को टिक करेंगे कि यहाँ ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोई एक ही आंसर निकल के यहाँ आएगा, जिससे दोनों मैट्रिक्स क्या हो सके, बराबर हो सके, इसलिए लिखेंगे इसका ज्ञात करना संभव नहीं है, समझे। ये था, अब देखिए इसका हम लोग लिख लेते, 10 नंबर का आंसर क्या होगा, हमसे बोला है 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो देखो कुल प्रविष्टि कितना है, 0 या 1, हम दो ही अवयव ले रहे हैं, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, दो ही अवयव ले रहे हैं, या तो 0 लेंगे या तो 1 लेंगे, तो 0 या 1 टोटल ये कितने है? देखो इसका कोटि क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर 3/3 का है, तो टोटल एलिमेंट कितना लिख लेगा,
टोटल एलिमेंट 9 होगा। हमसे पूछा है अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, नंबर ऑफ मैट्रिक्स हमसे पूछा है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। तो टोटल देखो, टोटल प्रविष्टि लेना कितना है, दो, या तो जीरो लेंगे या तो वन लेंगे। टोटल प्रविष्टि दो ही लेना है, या तो जीरो या वन, दिख रहा है, टोटल प्रविष्टि दो लेंगे या तो जीरो या वन, यानी दो प्रविष्टि है और टोटल एलिमेंट कितना है, 2^9। और 2^9 करने के मतलब 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कब होगा, 5 गो। कब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 × 4 4 चौक 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, 128 चौके 128, और 128 × क्या हो जाएगा, 256, और 256 उल्टा कर रहे हैं क्या हम लोग, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32 32 × 64 64 × 128 64, हाँ 128 ले, 2 × 4 गुणा कर दो 512 आएगा। ऑप्शन क्या होगा, 512, 8 × 32 4 × 8 3 11 4 × 4 = 512। यानी टोटल हम लोग कितने अवयव की संख्या बनेगा ऐसे ऐसे, जिसमें 9 अवयव हो, 0 या 1 लेकर के बना सकते हैं, तो कितना होगा, 512 मैट्रिक्स बनेंगे। यहाँ से टोटल 512 मैट्रिक्स बनेगा। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी पे उतारे, नोट्स बनाए, बुढ़ोती तक ध्यान में रखें इसको। आज वीडियो को लास्ट कर देते हैं क्योंकि ख़त्म। अब एक्सरसाइज हम लोग 3.2 को पढ़ेंगे, 3.1 ख़त्म कर लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और बतलाएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम भी देखें आपको कैसे आपको पढ़ाई चल रहा है। और आपका ये भी, आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।